तीसरा भी गया, अब मेरे को उम्मीद बहुत कम लग रहा है मेरे खुद पे। लेकिन आप देख के बताओ कि किसका अच्छा है। आंटी आपको क्या लगता है, मैं जीतूंगा या श्रेया जीतेगी? दोनों में से कोई नहीं। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम, दिस इज श्रेया, वेलकम बैक टू द चैनल बीएफएफ ब्लेंड। तो आज का जो आप वीडियो देख रहे हो ना, वो डिवालॉग सीरीज का सेकंड वीडियो है, तो ये भी दिवाली से रिलेटेड ही है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि दिया बनाने का एक चैलेंज लेंगे छोटा सा, तो उसमें हम लोग दिया बनाएंगे, वो भी इलेक्ट्रिकल चाक पर, और देखते हैं कि कैसा दिया बनता है, अच्छा बनता है खराब बनता है, वो आप जज करोगे। और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हमने एक बार ट्राई किया था तो वो बहुत फेलियर टाइप था हमारे लिए, क्योंकि हम अच्छे से बना नहीं पाए थे। और इस वीडियो में हम कंपटीशन लेंगे एक दूसरे के साथ कि कौन अच्छा बना सकता है। हाँ। रूल्स क्या है मैं बता देता हूँ आपको। रूल्स ये है कि हम दोनों को 5 अटेम्प्ट्स मिलेंगे, उसमें से जो भी जितना बना पाएगा उसको जज करने के लिए जो यहाँ के अंकल हैं जो बनाते हैं ऑफिशियली, उनसे हम दिखाएंगे और वो हमें बताएं किसका ज़्यादा अच्छा बना है, उस बेसिस पे वो इंसान जीत जाएगा। हाँ बिल्कुल। और हम लोग ये बनाते हुए तो इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि कितना ज़्यादा एफर्ट लगता है एक सिंगल दिया बनाने। हम लोग लास्ट टाइम कोशिश किए थे जब हम लोग एक वीडियो यहीं का बनाए थे, तो बट उस टाइम बिल्कुल मतलब फेलियर था, कुछ नहीं बना था हमसे, बिल्कुल मिट्टी तक उठ नहीं पा रहा था। जैसे इस बार भी वैसे ही कुछ होगा, बट देखते हैं कि क्या होता है। और आप भी देख कर जज मत करना हमें बिल्कुल भी, क्योंकि हम लोग इसमें बिल्कुल नहीं आता है ये सब चीज़ करना, बट ट्राई करते हैं। और काफ़ी फन सा व्लॉग होगा, सो देखना, और आप लोग भी बताना कि हम दोनों में से दिया किसका बढ़िया था। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स एक्सेप्ट दिस चैलेंज। वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग उसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे आप लास्ट टाइम हमारा वीडियो देखे थे दिवाली प्रिपरेशन वाला, तो हम लोग वहीं पे हैं जहाँ पे अंकल हमें बना कर दिखाए थे प्रॉपर। और अभी भी अंकल यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चाक पर जो है दिया वगैरह बना रहे हैं, तो हम लोग भी अभी शुरू करेंगे। और सबसे पहला जो अभी दिया बनाएगा वो बनाएगा प्रेम, तो प्रेम अभी शुरू करेगा, और जैसे ही उसका ख़त्म होगा उसके बाद मेरा राउंड आएगा और हम कोशिश करेंगे बनाने का। लेट्स सी कैसा बनता है, किसका अच्छा बनता है। तो अभी प्रेम इस पे चाक पर वो ट्राई करेगा, सो लेट्स गो। तो मैं चैलेंज लेने से पहले देख रहा हूँ कि ये दिया कैसे बनता है और कैसे इसको यूज़ करना है, इलेक्ट्रिक चाक को सीख रहा हूँ देख के ही। तो अंकल से पूछते हैं कि ये एक मिनट में कितने दिए बना लेते हैं। अंकल कितने दिए बना लेंगे एक मिनट में आप? एक मिनट में 7-8 बना सकते हैं हम। मतलब अगर ये प्रोफेशनल है और एक मिनट में 7-8 बना सकते हैं, तो मेरे को तो नहीं लगता कि मेरे को एक घंटे में भी एक दिया बनेगा, बट स्टिल विल ट्राई। और आंटी बैठी है, आंटी आप भी बनाती है दिए वगैरह? नहीं हम नहीं बनाते हैं, तो सारा काम अंकल ही करते हैं। हाँ। तो दिए वगैरह बनाने का काम अंकल ही करते हैं। देख रहा हूँ, सीखता हूँ कि कैसे बनते हैं। और अंकल आप मेरे को ये बताओ कि अगर हम दोनों बनाएंगे दिया तो कौन जीतने वाला है, क्या लगता है आपको? इसलिए कि देखिए इस मट्टी है, मट्टी पर जिस तरह से कलम से लिखा जाता है, पेंटिंग किया जाता है, उसी तरह से इसमें सहारा, इस तरह से ठीक है सहारा दीजिएगा, जैसे मट्टी को नचाइएगा उस तरह से नचाएगा। जीतेगा कौन, मैं जीतूंगा या श्रेया जीतेगी? अब ये तो आप बनाने के बाद होगा, लेकिन रह गया कि जो कमज़ोर हाथ है ना, पतला है, तो वो जल्दी इस पर बनाएगी, काहे कि हम लोग की आदत हो गया। और नया हाथ वाला इस तरह से मारेगा ना तो वो मटियों को तोड़ देगा वहाँ से, और वो तो बनाएगी तो धीरे धीरे अपना सहारा से बनाएगी, तो बना लेगी कुछ ना कुछ बना लेगी। अंकल को लगता है कि श्रेया का पतला सा हाथ है तो वो बना सकती है ईजिली, तो अभी तो प्लस पॉइंट उसके साइड जा रहा है क्योंकि उनके हाथ उसके हाथ के वैसे। आंटी आपको क्या लगता है, मैं जीतूँगा या श्रेया जीतेगी? दोनों में से कोई नहीं। तो अंकल के हिसाब से श्रेया जीत रही है, आंटी के हिसाब से कोई नहीं जीत रहा, देखते हैं क्या होता है और फिर बना के दिखाते हैं आपको। 15 साल से देख रहे हैं फिर भी हमको नहीं आया। सही बात बताया आंटी ने, ये भी पॉइंट सही ही है कि आंटी बोल रही है कि 15 साल से हम देख रहे हैं तो भी नहीं बना पाए, आप लोग पहली बार ट्राई करने वाले हो, तो इस हिसाब से बोल रही है आंटी कि कोई नहीं जीतेगा, स्टिल ट्राई करते हैं और देखते हैं किसका अच्छा बनता है। अच्छा, जो लोग देख रहे होंगे उनको देखने में इतना ईजी लग रहा होगा ना कि लग रहा हो कि वो आके बना ही देंगे, लेकिन मैं यहाँ बैठ के जब देख रहा हूँ तो मेरे को पता चल रहा है कि इतना डिफ़िकल्ट है ना। अभी ट्राई करता हूँ मैं और देखते हैं ये मेरे से बनता है कि नहीं बनता है। सबसे पहला काम, अगर आप दिया बना रहे हैं तो हाथ को थोड़ा गीला कर लीजिए। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। अंकल कैसे बना रहे थे? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जो कि बहुत ज़्यादा गंदा था। दूसरा अटेम्प्ट में ट्राई करते हैं बनता है कि नहीं। काटिए।
मेरा इस बार दिया अच्छा बना था, लेकिन ये काटना नहीं मेरे को आया अच्छे से, तो वो टूट गया। लेकिन स्टिल अगर दो अटेम्प्ट की बात करें तो दूसरा अटेम्प्ट अच्छा था, तीसरा ट्राई करते हैं, आई होप कि बन जाए। नहीं पीने देंगे यार, बहुत डिफिकल्ट है। बन गया था मेरा अंकल, सारा से लीजिए, बढ़ाइए मत, कटा नहीं बस। देखिए पहले बात है ना कि देखिए आप पंजा छोड़ दीजिए, औंठा का इस्तेमाल कीजिए, दोनों औंठा का बस, दो उंगली का इस्तेमाल कीजिए। बन गया प्रिय वस्तु, काट दो और देखिए, बना तो लिखा है ना। हां बना तो लिया है मैंने, लेकिन ये काटना बहुत मुश्किल हो रहा है अंकल। अब उसको ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, धागा को आगे फेंकिए, धागा के आगे फेंकिए, इधर से ना यहां फेंकिए, यहीं पर फेंकिए। आंटी मेरी हेल्प कर रही है, तो देखते हैं ये निकलता कि नहीं। फिर उल्टा हो गया, नहीं ठीक हो गया। और ए आपको भी तो नहीं आता। तो मेरा दिया बना है बट वो निकला नहीं है मेरे से। अब चौथे वाले अंकल मेरा हेल्प करने वाला है, अगर बन गया तो। अब ये मेरे को दिखाने कटता कैसे है, बस अंकल कटता कैसे आप मेरे को ये बता दीजिए एक बार। ये बन गया मेरा दिया, लेकिन अब इसको काटना कैसे मेरे को नहीं आ रहा, तो मैं अंकल की अब इसको काटना है, और काटने के लिए ये मेरे को यूज नहीं करना आ रहा। यहाँ से हमने ऐसा फेंक दिया, यहाँ ले लिए। तो ये फाइनल अटेम्प्ट मेरा दिया बन चुका है, इसमें थोड़ा सा कुछ और करना है। अगर हम चाहते हैं, जैसे जो ट्रेडिशनल दिया होता है उसमें ऐसा सेप होता है, तो ये मैंने फिफ्थ अटेम्प्ट में ट्राई किया जो मेरा बन चुका है। तो अंकल देखिए ये इसको साइड में रख दीजिए, अब श्रेया बनाएगी और उससे देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता पाँच अटेम्प्ट में। एक हाथ ऐसे रख ले रही है, हाथ पड़ा जाएगा। हाँ ऐसे फेंको, ये अंकल चीटिंग कराते हैं विश्वया को। फेंको फेंको, कट गया। ओ गॉड, वो नीचे गिर ही जाता है अगर नहीं पकड़ेंगे तो। अच्छा ठीक है, एक अटेम्प्ट मेरा खत्म हो चुका है, दूसरा अटेम्प्ट है मेरा। कितना प्यारा लग रहा है मेरा के बीच में हल्का। अंकल चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं। अच्छा तुम्हारे तो जैसे चीटिंग ही नहीं किए थे अभी, फर्स्ट वाले में तो कर दिए ना हल्का हल्का। चलो हो गया फर्स्ट वाले, अभी एक बार जरा सा हल्का नीचे कर देना है उसको, फर्स्ट वाले में ऐसे जा यहां मट्टी के ऊपर। अच्छा काट। शिट मैन, कैसे पकड़ते अंकल, नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आप पकड़ लीजिएगा जैसे आप उसका पकड़े थे। ये तीसरा अटेम्प्ट है तुम्हारा शायद। वो हो गया ना, अब करें बस, पकड़ लीजिएगा अंकल प्लीज। तीसरा भी गया, अब मेरे को उम्मीद बहुत कम लग रहा है मेरे खुद पे। वो अंकल काटे थे, वो थोड़ी काटा था। लास्ट वाले में तुम्हारा भी दिया जाएगा ऐसा सपोर्ट, लेकिन अगर उसमें भी नहीं हुआ तो। नहीं हुआ तो फिर तुम हार जाओगे। चलो ये नहीं माना जाएगा। चार अटेम्प्ट ये नहीं माना जाएगा। ये तो बना भी नहीं था ब्रो, उठा भी नहीं था। चलो ठीक
नहीं हो रहा है अंकल, ये आप तेज किया हुआ है चलो चलो चार अटेम्प्ट खत्म, ये चार अटेम्प्ट खत्म। अंकल आप वो थोड़ा वो करके दीजिए ना जो आप थोड़ा सा स्टार्टिंग में किए थे। वहाँ चार अटेम्प्ट खत्म हो चुका है श्रेया, ये फाइनल अटेम्प्ट है। आप मामा आप अंकल वो कर दीजिए, ये तो फिर नहीं हो पाएगा। ओ थैंक गॉड, ये रखना भी बहुत मुश्किल टास्क है, खराब हुआ। सो ये श्रेया का है, ये मेरा है। हमारा कंपटीशन ख़त्म हो चुका है, हमने दोनों ने बना लिया है दिया, ये मेरा वाला दिया है और ये श्रेया वाला दिया है। तो हम दोनों तो जज नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों को अपने हिसाब से अपना काम ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे आंटी हैं, उनसे पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे वो जब हम बनाए थे तब वो यहाँ पे बैठी हुई थी, हमें देख रही थी कि कैसे बना रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि कौन जीता, किसका अच्छा बना। आंटी आप बताइए आपका तो मतलब प्रेम का ज़्यादा अच्छा है, मतलब बीइंग ऑनेस्ट मैं भी बोल सकती हूँ कि प्रेम का ज़्यादा क्लीन लग रहा है और अच्छा भी बना है उसका, मेरे से ज्यादा मेरा तो पतला और थोड़ा खराब हो गया। और बच्चे से पूछते हैं ना, तुम बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? और तुमको? ओह गॉड, सबको मेरा वाला दिया ही अच्छा लग रहा है, किसी ने श्रेया को एक भी वोट नहीं दिया। एक सेकंड आप देख के बताओ कि किसका अच्छा है, मतलब मैं फिर से पूछ रही हूँ ये वाला ये है प्रेम का और ये है मेरा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये है मेरा है पीछे वाला, ये हाँ, श्रेया का आगे वाला श्रेया का। तो हमारा चैलेंज खत्म हो गया है, यहाँ के लोगों के हिसाब से मैं जीत चुका हूँ और इसी बात पे श्रेया से कुछ पे पार्टी वगैरह लेने की कोशिश करूँगा, अगर मिल जाए तो ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। और आपको कहीं ना कहीं ये पता चला होगा कि एक दिया को बनाने में कितना मेहनत लगता है। क्या श्रेया तो बनाए और हम लोग को पता चल गया, पाँच अटेम्प्ट में भी बिना अंकल के हेल्प का तो बनता ही नहीं है, बिकॉज थोड़ा हम लोग चीटिंग कर लिए, अंकल हेल्प किए, आंटी भी हेल्प किए, बट बिना हेल्प का हम लोग से नहीं बनता। और इसी के साथ हम लोग ये बोल सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक दिया बनाने में एफर्ट लगता होगा। सो वी शुड सपोर्ट लोकल जो भी बनाते हैं पोर्टर्स वगैरह, दिया वगैरह, उनको सपोर्ट करो और इस दिवाली आप लोग एयरथेन दिया ज़रूर खरीदो। तो इस वीडियो को यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नए दिया व्लॉग में। टिल देन बाय। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रेम, दिस इज श्रेया, वेलकम बैक टू द चैनल बीएफएफ ब्लेंड। तो आज का जो वीडियो है वो गिव अवे विनर अनाउंसमेंट वीडियो है। इससे पहले हम लोग एक गिव अवे अनाउंस किए थे, आप लोगों को पता ही होगा, और इंस्टाग्राम पे वो चीज़ था लाइक बहुत लोग पार्टिसिपेट किए, बहुत अच्छा लगा हमें, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो हम लोग ना एक और अभी प्लान कर रहे हैं कि गिव अवे रखने का, क्योंकि इतना प्यार दियो आप उस गिव अवे में। तो आई गेस हम लोग न्यू ईयर के टाइम पे न्यू ईयर के टाइम पे पक्का एक और गिव अवे करेंगे। हाँ, और हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो चलिए अब बात करते हैं गिव अवे के विनर्स के बारे में। वैसे तो इतने लोग मतलब काफ़ी मेहनत से बहुत लोग अपना एफर्ट दिए हैं इस गिव अवे में, बट सबको तो विनर कर नहीं सकते हैं, विनर तो हम लोग दो ही करने वाले थे। और वो जो दो विनर था उनका जो गिफ्ट प्राइस था वो था अमेज़ॉन का गिफ्ट कार्ड 500 का दो। तो हम लोग के हिसाब से तो तीन विनर हैं, लेकिन दो विनर करना है तो वो हमारे लिए मुश्किल था काउंट करना। जो तीन लोग हैं जिनका पार्टिसिपेशन हमें कुछ ज़्यादा दिखा, जिनके एफर्ट्स ज़्यादा थे थ्रू आउट ऑल द कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेंट्स आई मीन, तो उसमें से तीन नाम हैं जो मेरे को लगे। पहला आयशा खान, सेकेंड वन इज़ फेरी एडम, एंड थर्ड वन इज़ मनु आलोक सिंह। ये तीन आईडीज़ थी जिनका एफर्ट हमें बहुत ज़्यादा दिखा, बट हम तीन लोगों तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे गिव अवे में सिर्फ दो ही लोगों का था। तो जो दो लोग हमने सेलेक्ट किए हैं बाय एफर्ट्स, कंग्रेचुलेशन मनु आलोक सिंह, आप हमारे गिव अवे के विनर बने हो। और आपका जो आईडी है इंस्टाग्राम का वो हमें पता है, आप अपने आईडी से हमें अपना ईमेल आईडी एक बार सेंड कर दीजिएगा। एंड जो दूसरा विनर है वो श्रेया बताइए, वो है फेरी एडम करके एक आईडी था, तो वो आप वो विनर है। एंड कंग्रेचुलेशन टू फेरी एडम, आई डोंट नो उनका रियल नाम क्या है, बट हाँ उन वो हमारे सेकंड विनर है इस गिव अवे के। हम लोग बहुत खुश हैं कि यार पहला गिव अवे था एंड हम लोग काफ़ी कन्फ्यूज़न और सारा कुछ देख वे कि किसका सबसे ज़्यादा हार्डवर्क था, कितना कौन एफर्ट दिया था, उसके बेसिस पे ही हम लोग किए हैं। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहो और आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।